आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने क्रू मेंबर्स के साथ बैठ के आज सेट का खाना खाऊंगी। और ये देखिए मैंने यहाँ की फेमस दाल और चावल और मंचूरियन लिए हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। अलग ही फीलिंग आ रही है यहाँ पे बैठ के खाना खाने को। एकदम अच्छा लग रहा है कि मैं अपने क्रू मेंबर्स के साथ पहली बार ऐसे बैठ के लंच कर रही हूँ। मैं आज इन सब के साथ खाने बैठी हुई। मेरे मेकअप दादा हैं, ये मेरे ड्रेस दादा हैं, ये हमारे स्पॉट दादा हैं, ये मेरी हेयर दीदी है जो मेरे बहुत अच्छे से बाल बनाती है। जो आपको मेरे सुंदर सुंदर बाल दिखते हैं वो यही बनाती है। और ये हमारी लाइट मैन है, ये हमारी टीम। सो आज आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि वो लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। ये लोग हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। जो बैक स्टेज या जो बैक ऑफ कैमरा जो काम होता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और उसमें बहुत मेहनत और मैन पावर लगता है। एंड ये लोग बहुत अप्रिसिएशन डिज़र्व करते हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि वो लोग हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं और टाइम से हमारा शूट ख़त्म होता है। कैसा लग रहा है बताइए। बहुत बढ़िया लग रहा है मैम, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। आप लोग के साथ बैठ के खा रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा इनके साथ बैठ के खाना खाने को। आई थिंक मैं दोबारा आऊंगी, मैं रोज आऊंगी यहाँ पे। नरगिस आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ बैठ के? बहुत अच्छा, मैं बल्कि खुद जैसी मानूंगी कि मैं इनके साथ बैठ के खाना खा रही हूँ। तो ऐसे ही हम हंस खेल के हमेशा काम करते रहते हैं यहाँ पे और बहुत मज़ा आता है इन लोगों के साथ और वही काम हमारा टीवी पर दिखता है। आई होप आप हमारे शो को पसंद कर रहे हो, मुझे भी पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।